एनसीआर मीन्स वी कैन से एनसीआरटी कंप्लीट रिविजन इन विच वी विल सॉल्व द ऑल क्वेश्चन पॉसिबल फ्रॉम एनसीआरटी. ओके सो यू हैव फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन दिस वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स टाइप मैचिंग टाइप ट्रू और फॉल्स यू हैव नो ऑप्शन. ओके इफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड इट विल ऑल्सो इजी फॉर यू to get answer by the option given in the question. Clear? So, पहला question क्या आपके पास? Oxygen is utilized by organism to dash O A है. O क्या है? A क्या है? आपको बताना है. Break down nutrients molecule like B and to derive C for the performing various activities. बिना time waste के answer दिया कीजिएगा. ए क्या है न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज एंड टू डिराइव एनर्जी पहला क्या होगा ए क्या होगा इनडायरेक्टली और ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज एंड डिराइव एनर्जी और व्हाट एवर द प्रोसेस or whatever the activities that they do it requires energy yes or no second wale ka sir second wale ka carbon dioxide catabolic kaun sa the second wale ka sir carbon dioxide acha kahin dekh ke to nahi bol rahe ho nahi sir ha dekhne se koi fayda nahi nuksan aapka hoga theek hai to yahan pe pehla wala kya hoga aapke paas that is indirectly aur वैसे आपका टाइम का वेस्टेज भी होगा क्लियर है क्या ट्रू मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज एंड टू ड्राइव एनर्जी. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गैस विच इज रिलीज ड्यूरिंग कैटाबोलिक रिएक्शन ऑफ रिस्पायरेशन इज सेकंड क्वेश्चन CO2 नेक्स्ट द CO2 गैस विच जब अपने पास बॉडी में क्या होती है रिस्पायरेशन होती है जब होती है तब क्या होती है आर्केड अच्छा मेरे पास अपने पास क्या होती है जो मेटाबॉलिज्म होती है वो दो टाइप की होती है एक होता है एनाबोलिक और एक होता है कैटाबोलिक. कैटाबोलिक से क्या होता है कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन होता है और एनाबोलिज्म में क्या होती है कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है. हाँ कि ना एनाबोलिज्म से क्या होता है बॉडी का पॉजिटिव ग्रोथ होता है और कैटाबोलिज्म क्या होता है बॉडी का नेगेटिव ग्रोथ होता है. यस और नो नेक्स्ट वी हैव द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 from atmosphere with CO2 produced by cells called as the process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cell it is called hello kya bolte hain ise breathing aap sab kya bolte hain respiration रिस्पिरेशन बोलते हैं नहीं मतलब ब्रीथिंग ब्रीदिंग में क्या होता है गैस का एक्सचेंज होती है ना रिस्पिरेशन तो सेल के लेवल पे होती है मतलब ये रिस्पिरेशन एक कंप्लीट प्रोसेस है जो कि क्या है पल्मोनरी लेवल पे भी है और सेल के लेवल कंप्लीटली ये क्या होता है रिस्पिरेशन कहलाता है उसका जो इनिशियल पार्ट है जहां पर गैस का एक्चुअल में एक्सचेंज होती है जैसे CO2 अंदर बनता है वो विद द हेल्प ऑफ हेमोग्लोबिन ये RBC के थ्रू कहां आता है लंग्स के पास आता है एल्विओली में वहां पर ये एक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ पार्शियल प्रेशर जो कि आप लोगों ने गैसेस स्टेट में पढ़ा होगा और आपने यहाँ पर भी पढ़ा होगा मतलब ब्रीदिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है दोनों के प्रेशर में प्रेशर ग्रेडियंट होता है प्रेशर डिफरेंस होता है जिनकी वजह से क्या होता है गैस का एक्शन होता है O2 अंदर आते हैं CO2 बाहर चले जाते हैं क्योंकि सेल के लेवल पे क्या होता है CO2 का अमाउंट ज्यादा होता है O2 का अमाउंट कम होता है इसलिए O2 बाहर से अंदर आता है और CO2 अंदर से बाहर जाता है. तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज ब्रीदिंग क्या हुआ ये ब्रीदिंग इज इट क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेराई अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन डैश एंड डैश फोर्थ क्वेश्चन हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हाँ किस हैबिटेट में कौन सा ऑर्गेन रहता है उसी हिसाब से उनके पास क्या होगा
उसका डिफरेंट डिफरेंट ब्रीदिंग ऑफ मैकेनिज्म भी अलग अलग होगा। कोई एक्वेटिक हैबिटेट में रहता है, कोई अर्बोरियल में रहता है, कोई एम्फीबियंस होते हैं, कोई दोनों जगह रहते हैं, कोई टेरेस्ट्रियल होते हैं, तो उनका मैकेनिज्म ब्रीदिंग भी अलग अलग होगा। किसी का क्यूटेनियस होता है, किसी का पल्मोनरी होता है, किसी का गिल्स के थ्रू होता है, आके ना। और अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग पिगमेंट भी होती है, रिस्पिरेटरी पिगमेंट, जिनके थ्रू क्या होता है, गैसेस मॉलिक्यूल कैरी किया जाता है। ये सुनो, किसी का स्किन से होता है, दैट वी कॉल एज क्यूटेनियस, आके ना। तो क्या होगा, हैबिटेट अलग अलग होगा, तो उसके हैबिटेट पे भी डिपेंड करेगा। साथ ही साथ में क्या होगा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसा है। जो जनरली लोअर ऑर्गेनिज्म है वो अपने अपने स्किन से करते हैं, कुछ गिल्स से करते हैं, कुछ लंग से करते हैं, कुछ अपने बॉडी के पोर्स के करते हैं। जो जनरली हायर ऑर्गेनिज्म है, जो वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म है, कॉर्डेट्स वगैरह, इन सब के पास क्या होता है, प्रॉपर लंग्स वगैरह होती है। लेकिन जो एक्वेटिक है, जो एक्वेटिक लाइफ में रहेगा, तो वहां पर लंग्स यूज नहीं आएगी। जैसे फ्रॉग है, इस पे फ्रॉग के रिस्पेक्टिव में एक सवाल पूछा गया था कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिनके पास तीनों के तीनों फंक्शनल होते हैं। वो कौन होते हैं, फ्रॉग होते हैं, जो कि स्किन से भी करता है, गिल से भी करता है, और लंग से भी करता है। लंग से कब करेगा, लंग्स इज मीन फॉर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एंड गिल्स किसके लिए बना है, एक्वेटिक हैबिटेट के लिए, और क्यूटेनियस भी इसी आसपास, मतलब कि समवॉट जो बीच का बीच वाला एनवायरमेंट में आएगी, या फिर यो कहो कि मॉइस्ट एनवायरमेंट है, तो वहां पर वो किससे करेगा, अपने स्किन से भी करेगा, या फिर वो जैसे कभी वो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन करते हैं, तो थ्री डिफरेंट मोड ऑफ क्या उनके पास, रिस्पायरेशन होती है, आगे ना। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी अलग अलग होता है। आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में, आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होती है, सेलुलर लेवल होती है, टिश्यू लेवल होती है, ऑर्गेन लेवल होती है, एंड ऑर्गेन सिस्टम लेवल होती है। जो नियरली जो हायर सिक्स छह फाइलम है, वो उनके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। Yes or no? Organization. Next question. Match the following में है, A, B, C, D, E तक है, 1, 2, 3, 4, 5 Romans तक है। बताइए पहले का क्या होगा? Diffusion over the air, entire body surface, ये किसका features है? 3. Cylindrate, flatworms. Next क्या है? Gills किसके लिए होती है? 4th. Gills 4th के लिए पक्का? और मॉइस्ट क्यूटिकल किनके पास होती है? सर मॉइस्ट क्यूटिकल सीका मॉइस्ट क्यूटिकल किसके पास होती है? अरे जो उसका स्किन गीला होता है, अर्थवर्म। पक्का? हाँ सर, उसका स्किन गीला होता है ना। रेडी बेटा, आप भी बोलिए। ट्रेकेल ट्यूब, फिफ्थ। फोर्थ डी का क्या होगा? इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स। वास्कुलराइज बैग, ना सर, सर रेप्टाइल ऑफ ब्लड मैमल्स, स्पोर्ट्स मैमल्स। व्हाट हैपेंड, क्वेश्चन नंबर 6, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर को क्या बोलते हैं? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर इज कॉल्ड Pharynx. आफ्ताब आप भी बोलो। अरे क्या बोलते हैं? Pharynx। ये आपका रिवीजन का भी टाइम है, रिवाइज भी कर लो ताकि याद भी हो जाए और आप क्वेश्चन भी कर लो, ठीक है। ग्लोटिस द ओपनिंग ऑफ, ग्लोटिस के किसका ओपनिंग होता है? इट इज कवर्ड बाई लैरिंग, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, एपि मतलब होता है ऊपर, जो ग्लोटिस के ऊपर वाली कवर है, द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, दैट वी कॉल एज एपिग्लोटिस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर व्हिच इज, हां सर, एक्चुअली ये क्वेश्चंस मैंने पहले से सॉल्व किए हुए हैं, तो मुझे पता है इसके आंसर्स क्या है, मतलब मैंने बहुत बार सॉल्व किया हुआ है ये। एक बार और कर लेते हैं। तो मैं लीव पता ही है, मतलब सीक्वेंस वाइज भी पता है, क्योंकि पहले भी एलन में शॉक किए बहुत बार, अभी भी किए, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आ रहा, क्या मतलब? फिर टेस्ट में कितने नंबर आए?
सर मुझे पता नहीं, मैंने कैलकुलेट नहीं किया बट मैंने एनालिसिस किया। 500/600 कितना आएगा? किसी और का तो नंबर आया नहीं है। 300 भी क्रॉस नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, स्ट्रक्चर विच इज साउंड इन साउंड प्रोडक्शन मेड अप ऑफ कार्टिलेज। आफ्ताब आप नहीं क्लास में? तो फिर बोलने में तकलीफ होती तुम्हें क्या? तो बोलो ना फिर तब। कार्टिलेज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग स्वेलिंग ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिक फाइबरस कार्टिलेजनस फ्लैप फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट वी कॉल एज एपिग्लोटिस, इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्या होना चाहिए? मस्कुलर। हाँ ये क्या होगा? इट विल बी ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर फाइबरस कनेक्टिव फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये क्या है? फॉल्स है। सही क्या होना चाहिए? हेलो हेलो आवाज आ रही मेरी? कोई इलास्टिक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 होता है। क्वेश्चन नंबर 10, ओरिजिन ऑफ राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई occurs at the level of which vertebrae? Fifth thoracic vertebra. It will be C5. Okay. Each terminal bronchiole give rise to a number of very thin, irregular walled, vascularized bag-like structure that we called as alveoli. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग आर प्रेजेंट अप टू क्वेश्चन नंबर 12 इनिशियल ब्रोंकियल्स। याद है या फिर देख के बोला जा रहा है? आफ्ताब हेलो, इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग आर प्रेजेंट अप टू इनिशियल ब्रोंकियोल। ठीक है, आगे होती है क्या? आगे उसके आगे होती है? कंडक्टिंग पार्ट स्टार्ट्स विद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स एंड एक्सटेंड अप टू क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 टर्मिनल ब्रोंकियल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लूरल फ्लूइड? प्लूरल फ्लूइड का क्या सिग्निफिकेंस है? टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द प्लूरल मेम्ब्रेन। वंस अगेन, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन। और बाद में जो जर्क वगैरह हो इन सबको लंग्स को उससे जर्क से या फिर कोलैप्स व्हाट वी कैन से डैमेज होने से बचाए। ठीक है, जो भी फोर्स यहाँ पर जो भी उसमें लगे उन सब चीज को ये मतलब मिनिमाइज कर दे, खत्म कर दे। क्लियर है क्या? और यहीं पे क्या होता है, इसी के वजह से फ्लूड के बढ़ जाने से या कम होने की वजह से डिजीज कंडीशन होती है। जो निमोनिया होती है, निमोनिया कहाँ पे होती है, कैसे होती है? वो निमोनिया होती है ना? हेलो अरे, इसी प्लूरल फ्लूइड में तो निमोनिया होती है ना? हाँ सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ट्रू और फॉल्स, एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेरिक एयर इज एक्सचेंज पार्ट. ट्रू. ठीक है. क्वेश्चन 16, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेज, ए ड्यूरिंग व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड बी बाय व्हिच द अल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट. ए इंस्पिरेशन, बी एक्सपिरेशन. बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन है. ठीक है ना, इसलिए नाम है एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन. ओके, तो पहला वाला क्या होगा आप कश्यप? तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे हैं यार. तुम्हारे क्या सबके नंबर अच्छे आए, सिर्फ रिधि का पता नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग डैश बिटवीन द लंग्स एंड द एटमोस्फियर. क्या बोलते हैं इसको? मूवमेंट ऑफ एयर ग्रेडियंट. मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय बाय क्रिएटिंग अ डैश बिटवीन द लंग्स एंड एटमोस्फियर. क्या होगा? ग्रेडियंट. किसका? टेम्परेचर का? क्या नहीं, प्रेशर ग्रेडियंट. ओके, या प्रेशर डिफरेंस. यस और नो? जैसे पोटेंशियल डिफरेंस होती है वैसे प्रेशर का भी डिफरेंस होता है. इसको क्या बोलते हैं? प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं. क्लियर है क्या? एक्सपेरेशन टेक्स प्लेस व्हेन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तीसरा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. चौथा, नन ऑफ दिस. बोलिए. फर्स्ट मैंने ये बोला इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नहीं, थर्ड ऑप्शन. मतलब क्या होगा? इंट्रा, बाद बाकी दो लोग आप लोग खामोश क्यों हुए? हेलो, चलो ठीक है, वन बाय वन करके बोलेगा. अच्छा, बोलने का क्या होगा सीक्वेंस? जिनका नाम का पहला लेटर पहले है वो पहले बोलेगा, उसके बाद फिर सीक्वेंस में बोलेगा. ठीक है ना, तो पहले आपका, फिर कश्यप, देन फिर लास्ट में रिधि. क्लियर? हाँ. इसका क्या होगा? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, मतलब जो लंग्स में अंदर जो पल्मोनरी का जो प्रेशर होगा, पल्मोनरी जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? ज्यादा हो किससे? एटमोस्फेरिक प्रेशर से. यस और नो? 19 क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाई. कैसे हम लोग उसको एस्टिमेट करते हैं? द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाई. आफ्ताब, तुम्हारी बारी है, इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ. स्पायरोमीटर. स्पायरोमीटर बोला आपने क्या? हाँ. नेक्स्ट कशिया बोलो. नहीं बोलना है? टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है. मैंने क्वेश्चन नेक्स्ट नहीं बोला, मैंने इसका आंसर बोलने के लिए बोला है. हाँ, स्पायरोमीटर ही है. रिधि, स्पायरोमीटर. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए. मैच द फॉलोइंग. टाइडल वॉल्यूम 500 होता है. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी 3000 होती है. और रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 होता है. नेक्स्ट एफआरसी. इंस्पिरेटरी 1100 होता है. नेक्स्ट
क्या बोला क्या बोला, इंस्पायरेटरी क्या होती है? 1100 नहीं नहीं इंस्पायरेटरी 4200 इंस्पायरेटरी, यानी इनफिनिट इंस्पायरेटरी जो हम अंदर लेंगे विदाउट फोर्सिंग, नहीं सर इंस्पायरेटरी 1100 ml पक्का? हाँ, और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है वो 2300। यदि कैसे सही बोला क्या? सर मैं बताऊं? हाँ तुम बताओ। टाइडल वॉल्यूम तो 500, उसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम 1200, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100, उसके बाद इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी 3000, नेक्स्ट वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी तो 4200, हाँ राइट, नेक्स्ट और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी 2300। आपका सही है क्या ये? आपका सही है? हाँ सर सही। इसमें गलत क्या है? एक तो गलत है इसमें, कौन सा गलत बताओ? कश्यप तुम्हारे हिसाब से गलत होना चाहिए? गलत तो नहीं है। गलत नहीं है? नहीं सर सही है। इसका मतलब तुम्हारा आंसर गलत था? मैंने भी यही बोले सर, मैंने तो जंबल्ड फॉर्म में बोला मगर यही बोला। तुमने ये नहीं बोला, कुछ और बोला था, तुमने सी को फोर मिलाया था। नहीं सर उसके बाद मैंने कहा था सी फोर नहीं है, मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कैपेसिटी एक कैपेसिटी का मतलब होता है कि मैक्सिमम मैक्सिमम टाइप में ना तो वो हमेशा ज्यादा ही होगा, समझ रहे क्या? बात समझ में आ रही है? रिजर्व वॉल्यूम थोड़ा सा और ज्यादा होगा, कैपेसिटी थोड़ा सा और बढ़ जाएगी, मतलब कि कैपेसिटी में हम लोग मैक्सिमम की एक सम एक्सटेंट मैक्सिमम की बात करते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन सा हम लोग मैक्सिमम की बात करते हैं। जो पहले आपके पास टाइडल वॉल्यूम है, और टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वी इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पायरेशन, ये इट इज अप्रोक्स कितनी होती है? 500 होती है आगे ना। नेक्स्ट होती है आपके पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसी तरीके से आपका क्या होती है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होती है। ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है दैट अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन इन एडिशन टू टाइडल वॉल्यूम। तो ये कितना हो जाएगा? 100 टू मतलब 1000 टू 1100, हाँ कि ना? तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपके पास? 1100 दे रखा है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आपके पास क्या है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है कि हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को मिलाते हैं। सो वी कैन से टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, मतलब एक तो एक टाइडल हो गया, उसके अलावा हम कितना और अंदर ले सकते हैं, बात समझ में आ रही है क्या? दैट इज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। उसी तरीके से क्या होता है कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जब ये फोर्सफुली हम एक्सपायर करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? टाइडल वॉल्यूम भी आएगा, मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा। फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद हम कितना फोर्सफुल एक्सपायर करते हैं? दैट इज द वाइटल कैपेसिटी। यस सर नो? एक होता है टीएलसी, टोटल लंग्स कैपेसिटी।
मतलब इसमें वाइटल कैपेसिटी साथ ही साथ में क्या जाएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा, और रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है, 1200 ml होती है, 11 to 12, यस और नो? नीट के 17 में, नीट के 18 में पूछा गया था, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन, सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन, बोलो क्या क्या इसमें हो सकता है? हेलो, आर यू हियरिंग मी? आर यू हियरिंग मी? आवाज आ रही है तो बताओ। यस सर। हाँ, सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन सोल्युबिलिटी, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। हाँ, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन और ग्रेडिएंट, और कुछ है क्या? प्रेशर ग्रेडिएंट। हाँ, कश्यप सही बोला क्या इसने? हाँ सर। प्रेशर, प्रेशर हो सकता है या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट भी होगा। गैस की सोल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, साथ ही साथ में ये डिपेंड करता है कि मेम्ब्रेन कितना थिक है या कितना थिन है, हाँ कि ना? तो जितना थिक होगा तो उतना ये स्लो होगा, जितना थिन होगा उतना ये फास्ट होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर ग्रेडियंट, यस और नो? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सोलिबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है, एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, जहां पर गैस की डिफ्यूजन होती है ये किस किस से बनी होती है, ए बी सी डी, ये सही है क्या? ए बी सी या कोई और भी होता है, कौन कौन जैसे में होगा? आफ्ताब, तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? मेरे हिसाब से सर बी। सिर्फ बी? कश्यप तुम्हारे हिसाब से? सी, बी और सी। अरे क्या बोला, बी और सी क्या बोला तू? सर बी सी। बी सी, ओके। कश्यप तुम्हारा? कश्यप? हाँ सर। अरे बगैर बोले बोल दो ना फिर। दीदी बी एंड सी, पहला वाला नहीं होता है क्या? थिक कॉलमनर एपिथेलियम ऑफ एलिवेलाई, ऐसा होता है क्या? सो एंडोथेलियम ऑफ एलिवेलर कैपिलरीज एंड साथ ही साथ में क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इन बिटवीन द कैपिलरीज एज वेल एज एल्वियोलाई, क्लियर है? सो बी एंड सी विल बी द कंबाइनली फॉर्म डिफ्यूजन मेम्ब्रेन वेयर द गैस डिफ्यूज फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट अमाउंट ऑफ सीओ टू इज कैरिड आउट इन विच फॉर्म, विच स्टेट? Least amount of CO2 is carried out in which state or which form? Aftab? Yes, sir. Question likha hua hai na, 23. Padho, answer do. Least amount of CO2 plasma is carried out, क्या प्लाज्मा? प्लाज्मा में सबसे कम होता है, मतलब प्लाज्मा में क्या? प्लाज्मा इज़ोल्टेड, किस फॉर्म में होती है? डिसॉल्व स्टेट में होती है। अच्छा, आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है ना, जब हम लोग क्या बोलते हैं कि जब अपने पास कार्बन मोनोऑक्साइड जब अपने बॉडी में चले जाता है, या फिर हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जैसे मान लो कोई रूम है या जहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, हम रूम को कम्प्लीटली क्लोज कर दिए हैं और उनमें कुछ कोई कोयला अगर कुछ जल रहा है जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है, जब ये अपने बॉडी में चला जाता है ना, तो इसको हम लोग रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, या फिर वी कैन से जैसे कोई बैटरी वगैरह है जिसमें लीड वगैरह पाया जाता है, उसका वेपर अंदर चला गया, तो
तो उसको रिमूव करने के लिए क्या, जिनकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, वॉमिटिंग आता है, नोजिया होती है, बहुत कुछ होती है, तो इनको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सॉल्ट लेते हैं, जो कि अंदर जाकर क्या बनाता है, इनके साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना करके, और सीओ क्या है, एक लाइगेंड भी है ना, सीओ क्या है, एक लाइगेंड भी है, तो इनके साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलकर बना करके, कम्प्लेक्स कंपाउंड बना करके इसको बाहर रिलीज कर देता है, आगे ना। सो हियर CO2 इज इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा, और वी कैन से इन द प्लाज्मा, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर दोज इंटरफेयर विद बाइंडिंग ऑफ O2 विद हेमोग्लोबिन R, क्या क्या चीज है जो इनके साथ इंटरफेयर कर सकता है, बोलिए, क्या PO2 करेगा, हेलो, नो CO2 नहीं करेगा आपके हिसाब से, PCO2 करेगा, PCO2 करेगा, yes or no, yes, H plus concentration करेगा क्या, yes, और temperature भी करेगा क्या, yes, कैसे आप, PO2 होगा क्या, yes, PO2, अरे PO2 होगा, कश्यप आपता बोलो यार, लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होगा ना सर, PO2 नहीं होगा, PCO2 होगा, PCO2 तो मैं कह रहा हूँ, तो H+ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ये सब के सब क्या करेंगे, इनको रोकने वाले हैं, आगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, O2 डिसोसिएशन कर्व, O2 डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है, किस शेप, एस शेप, एस शेप में, कश्यप होता है क्या, एस, एस बोला सर, कश्यप नहीं बोला, एस शेप, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कर्व बोलते हैं ना इसको, हाँ, मेरा आवाज आ नहीं रहा है अच्छे से, आ रहा है ना, सर आपको कश्यप, फैक्टर विच इज फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, फैक्टर Which is favorable for the formation of oxyhemoglobin. क्या वो चीज है जो उसको ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के लिए हेल्प करेगा, बताइए, क्या हाई टेम्परेचर, एच प्लस कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए क्या, टेम्परेचर हाई होना चाहिए क्या, पी सी ओ टू हाई होना चाहिए, ये सारा पॉइंट सही है ना, हाँ जी सही है, रिधि, अरे सही है क्या, हाँ सर सही है, अरे ऑक्सीजन और जब ये हेमोग्लोबिन बाइंड करेगा तो ये सारा चीज सही है, नहीं कैसे, हाँ बोल दे फिर, तब ये सारा उल्टा होगा ना, अरे लो एच प्लस लगेगा, लो टेम्परेचर लगेगा, लो पीओ टू, पी सीओ टू लगेगा, ये वाला क्वेश्चन तो हाँ बोल दी, इसमें इसमें क्या हो गया आप लोगों को, ठीक है, सो जब ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन, जब ये ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन में बाइंड करेगा उसके लिए क्या चलेगा, एच प्लस लगेगा, लो एच प्लस विल फेवर दिस बॉन्डिंग, लो टेम्परेचर एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू। क्वेश्चन नंबर 27, Under normal physiological condition, every 100 ml of oxygenated blood can deliver dash ml of O2. 5, 10, 5, और 20, 5. Next question, dissociation of CO2 from carb amino hemoglobin takes place when there will be, sir iska 28 dissociation of CO2 from carb amino hemoglobin, jaise oxygen wahan bind ke to kya bola, kya banaye wo oxy hemoglobin, jab CO2 bind ke to jab CO2 bind karega hemoglobin ke sath kya bolenge, carb amino hemoglobin bolenge, inka dissociation kab hoga, कौन कौन सा चीज है जो उसको फेवर करेगी, CO2 के रिस्पेक्ट में बताओ,
एच प्लस के रिस्पेक्टिव बताओ और टेम्परेचर के रिस्पेक्टिव में बताओ, जल्दी बताओ। और हाई होना चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए, एच प्लस कैसे लो होना चाहिए, पीसीओ टू लो होना चाहिए। यस और नो? जनरली अगर बात करें तो ये CO2 वाला आएगा और ये वाला आएगा। हाँ, अगर हाई टेम्परेचर होगा और हाई एच प्लस होगा, कंसंट्रेशन होगा, मतलब पीएच की वैल्यू कम होगी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्लियर है क्या? अरे बोलो ना। अगला क्वेश्चन। हाँ सर। एट द साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज डैश ड्यू टू डैश CO2 diffuses into the blood and form dash and dash. What will be A, B? A high होगा सर। A क्या होगा? और high. A high होगा। क्या high होगा? CO2 high होगा ना सर। अच्छा। CO2 is high due to at tissue level CO2 high होता है क्या? Tissue level पे कौन सा gas ज़्यादा होता है? Partial pressure of CO2 is high होगा ना सर। Due to the क्यों होगा ऐसा? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अरे बोलो ना, सिर्फ जो सवाल कैटाबॉलिज्म। हाँ, क्योंकि वहां पर क्या होता है, कैटाबॉलिज्म होती है और CO2 का इवोल्यूशन होता है। हाँ। जिनकी वजह से क्या होगा, देर इज हाई CO2। अगला क्वेश्चन है ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, ठीक है, जो मैंने पहले अभी पहले पूछ लिया आपसे, मतलब क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा और CO2 का प्रोडक्शन होगा, एंड डिफ्यूजर इनटू द ब्लड एंड फॉर्म डैश एंड डैश, क्या बनाएगा यहाँ पर? RBC और N प्लाज्मा। ये बनाता क्या है? जब ये बनता है H2CO3 बनाता है, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा एसिड बोलते हैं? H2CO3 क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं ना। हाँ, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनिहाइड्रेज, ये भी ध्यान रहे, सोनी को पूछा गया है। तो सी में क्या होगा यहाँ पर बताइए, HCO3 प्लस में टूटेगा माइनस में और एच प्लस में टूट जाएगा, तभी तो ये एसिड है ना, तभी तो ये एसिड, क्योंकि एच प्लस दे रहा है। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 30। Every 100 ml of deoxygenated blood transport how much amount of CO2? How much amount of CO2? Hello. 4 ml of CO2. Option दे रहा हूँ 8 and 10. एक 5 भी ले लो. 4 ml, 3 ml, 8 ml, 10 ml, 5 ml. कौन सा होगा? 4 बोला मैं. अच्छा 4 बोला. रिधि, सही है। ह्यूमन बीइंग्स हैव एबिलिटी टू मेंटेन एंड द रेस्पिरेटरी रिदम बाय द हेल्प ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन बीइंग्स हैव न्यूरल सिस्टम, पक्का? आपसे तो देख के तो नहीं बोल रहा है, देखो देख के बोल रहे हो तो फिर टाइम आपको वेस्ट हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, यही पढ़ने का वक्त है, यही क्वेश्चन सॉल्व करने का वक्त है, जब जागो तभी सवेरे ध्यान रखे मेरे बात को, ठीक है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पर इसको, विद द हेल्प ऑफ न्यूरल सिस्टम, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन डैश रीजन ऑफ ब्रेन, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन डैश रीजन ऑफ ब्रेन, कौन सा रीजन पे प्रेजेंट होता है ये? मेरी आवाज आ रही है? हाइपोथैलेमस, पॉन्स रीजन,
मेडुला ऑब्लोंगाटा और इन हाइंड ब्रेन कौन सा रीजन? अरे मेडुला ऑब्लोंगाटा में पाया जाता है ना ये, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगाटा रीजन ऑफ ब्रेन, यस और नो? हां सर। एक और बार बताओ सर। मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेंटर विच कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड इन, तो यहां पर क्या होती है इसमें? पॉन्स भी एक रीजन होती है क्या? अरे ब्रेन में एक पॉन्स रीजन होती है क्या? हाँ 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 सर, हाँ होती है ना सर। हाँ, दैट इज इन पॉन्स। ओके, अगला नेक्स्ट 34, कीमो सेंसिटिव एरिया सेंड सिग्नल्स टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट फॉर रिस्पायरेशन टू विच सेंटर? हेलो, कीमो सेंसिटिव एरिया सेंड सिग्नल टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट फॉर रिस्पायरेशन टू विच सेंटर? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। आंसर क्या बताओ? अरे क्या होगा आंसर? हेलो, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्टी फाइव, बताइए, 35, aortic arc and carotid artery receptors can recognize change in H plus ion concentration और CO2 या O2 कौन सा आएगा? CO2 का बढ़ना। हाँ, CO2 और H plus के इसके can it recognize its progens, आगे ना? यहाँ पर क्या होगा? H plus और CO2। Next question, the role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite significant, quite insignificant, true or false? Role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm center is quite insignificant, true or false? जल्दी करो। True. हाँ? True. True है। पक्का? हाँ, true है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, मतलब रेस्पिरेटरी रिदम को रेगुलेट करने के लिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 काम आता है, O2 नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 37, एस्थमा, एम्फाइसेमा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। एक का थर्ड, बी का फर्स्ट एंड सी का सेकंड। आफ्ताब, तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से सर फर्स्ट का थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का सेकंड। कैसे आप? हाँ सर। अरे हाँ सर के भाई आंसर दो ना यार। 3, 1, 2, 3,
1-2 पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट कैन गिव राइज टू, क्या होता, क्या हो सकता है लंग्स में? फिब्रोसिस। क्या होगा? इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फिब्रोसिस। फाइब्रस जो टिश्यू अवेलेबल है उसमें क्या होगा, प्रोलिफरेशन हो जाएगा, हाँ कि ना? दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेमेशन दैट लीड्स टू प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। क्लियर है? मैच करना है इसको। ये कई बार पूछा गया ये वाला डायग्राम, अल्वियोलाई वाला। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? ए क्या है, बी एंड सी बताइए। सी तो आरबीसी है, ए तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बी एल्वियोलर वॉल है और सी आरबीसी। हाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे बना होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है क्या ये? ये तो कंबाइल मिलके बनाता है ना, उसके अंदर के सब्सटेंस है क्या? हाँ जी हाँ सर। और बी क्या है? इज द अल्वियोलर वाल। और सी क्या है? आरबीसी तो दिख ही रहा आपको। और मैच्योर आरबीसी का शेप कैसा होता है? मैच्योर आरबीसी का शेप कैसा होता है? कॉनिकल शेप होता है क्या, बाइकनकेव होता है क्या, फिर अमीबॉइड होता है? जल्दी बोलो। due to providing या so to so that it can provide more surface area for the binding of oxygen to the hemoglobin, yes or no? Question number 40, ये वाला बताइए सर, ये alveolar wall ठीक होती है या फिर thin होती है? क्या होता है ये alveolar wall ठीक होती है या thin? squamous epithelium की होती है ये। किस टिश्यू से बनी होती है ये? नहीं नहीं ठीक होती है या thin होती है उसका लेयर? बेसिकली ऑफ थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ना। अरे थिन तो होती है ना ये। थिन हाँ थिन ठीक। क्या हुआ? थिन होती है जो ये, जिस जो इसके अंदर एपिथेलियम बनी होती है। और एपिथेलियम का काम क्या होता है? लाइनिंग करवाता है। क्या क्या करवाता है ये? इनके पास बेसिकली ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाता है ये आपके पास अल्वियोलाई, जहाँ पर आपके ब्लड वेसल्स हैं, जहाँ पर दोनों के बीच में जो बीच वाला ये एरिया है ना, जो आपको व्हाइट व्हाइट से दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपको एनसेट में आपको येलो कुछ कलर में दिखा होगा, तो वैसे आपको ब्लैक एंड व्हाइट में मिलेगा, कलर में तो मिलेगा नहीं। इसको बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। ये कंबाइनली मिलकर क्या बनाता है? ये वाला पूरा बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाता है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या किस किस चीज से बनी होती है आपके पास? स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, हाँ कि ना? वो भी कौन से, यहाँ पे अल्वियोलाई वाला। क्लियर है क्या? जो कि थिन होती है। उसके बाद फिर क्या होता है आपके पास? एल्वियोलर कैपिलरीज के एंडोथेलियम होती है। और दोनों के बीच में क्या होता है? बेसमेंट सब्सटेंस होता है। ये कंबाइनली मिलकर क्या बनाता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाता है। और इसकी थिकनेस अबाउट 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, एंड अराउंड इट इज 0.5 mm। इज इट क्लियर? 0.5 mm, यस और नो? हेलो हाँ समझा क्या? तो सर ये ठीक है ना? वन मतलब सर एनसीईआरटी में लिखा है 1 cell थिक। हाँ तो सर एनसीईआरटी में क्या तो ठीक लिखा है। 1 cell थिक लिखा है, 1 cell थिक तो मतलब 1 cell के जितना है। हम जो पूरा कंबाइन मेम्ब्रेन की जो अगर इसके अगर थिकनेस की बात करें तो मैंने बोला कि कितना होता है, मतलब मिलीमीटर से काफी कम होती है। क्या होती है? मिलीमीटर से भी कम होती है, जिनकी वजह से क्या होता है, हमको थिन बोलेंगे ना। अब ये 0.5 मतलब रफ आइडिया में दे रहा हूँ, 0.5 मिलीमीटर से भी काफी कम होती है। उसको थिक कैसे बोल सकते हैं हम?
ठीक है क्या? हेलो, मैं थोड़ी बोल रही हूँ, तो एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए मैंने पूछा। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? थिक। एनसीईआरटी में वन सेल थिक लिखा है। हाँ बस उसमें तो जो गोल्ड फॉल्ड एक्सपेरिमेंट है फिजिक्स में, उसमें भी तो एक एटम थिक दे रखा था गोल्ड फॉइल, तो उसका मतलब थिक थोड़ा है, तो थिन। रिलेटिव टर्म्स में बात करो है वो थिन। एक सेल थिक है मगर रिलेटिवली थिन है ना। अब कहाँ की बात करो बेटा? किस जगह एनसाइड में था, था, था को बताना था, मैं भी देख लूं। सेल डायग्राम में ही लिखा है। अच्छा वन सेल थिक है ये, तो ये पूरा मेम्ब्रेन थोड़ा ना है ये। जहाँ पे आपने जहाँ पे बात करे अल्वेलर वाल, वन सेल थिक है ये, अल्वेलर वाल की बात कर रहा है। और जहाँ पे हम लोग जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करते हैं वहाँ पे क्या लिखा है? थिन स्क्वेमस एपिथेलियम लिखा है कि नहीं लिखा है डिटेल्ड में? तो मेम्ब्रेन थिक नहीं होगी ना, ये उनके अपने रिस्पेक्टिव साइज की बात करता है। ये जो ये आपका ये कुछ ये वाला जो बना हुआ है, ये हम इस सेल की बात कर रहे हैं, ये अपने रिस्पेक्टिव सेल की बात कर रहा है, ये पूरा मेम्ब्रेन की बात हो ना कर रहा है, समझ रहे क्या? एंड इट इज वन सेल थिक। और इसमें नेक्स्ट क्या व्हाट वी कैन से कि जो इनकी जो मेम्ब्रेन होती है 0.5 mm, और ये मिलीमीटर बहुत लंबे बहुत लंबा होता है क्या? इतना क्या आप उसको इग्नोर कर सकते हो? समझ में आ रहा है क्या? हेलो, अरे अब तो ठीक है दीदी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ए बी सी डी ई, ए क्या है, ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा, और ई का क्या है? इसीलिए बोलते हैं क्या डबल सर्कुलेशन। हाँ आंसर बताइए, ए पी ओ टू क्या होगा वहां पर? सी तो पल्मोनरी आर्टरी है। सी पल्मोनरी आर्टरी है, अच्छा ये वही आर्टरी है। जनरली क्या होता है आर्टरी पल्मोनरी वेन, जनरली आर्टरी क्या करता है प्योर ब्लड को कैरी करता है, इज द ओनली आर्टरी कैरिंग इम्प्योर ब्लड। ओके वैसे बी डी वाला क्या है, डी वाला क्या है? Pulmonary vein is the only vein, generally all veins carry impure blood, is the only vein which carry pure blood and pulmon is used for lung, इसलिए क्या बोलते हैं pulmonary artery or pulmonary vein। E क्या होगा, E क्या है? Systemic artery, systemic arteries। Okay D क्या हो जाएगा pulmonary vein, और सी क्या हो गया पल्मोनरी आर्टरी, ए क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी होगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ये अल्वियोलर लेवल है, और यहाँ पर अगर सेलुलर लेवल में पूछता तो क्या होता है यहाँ पर फिर? अच्छा पहले यहाँ यहाँ वाला बताइए फिर मैं वहां वाला पूछता हूँ। PO2 क्या, PO2 में PO2 दैट इज ए क्या होगी यहाँ बताइए? 104। और बी 40। अच्छा यहाँ पर भी क्या होगा ये, अच्छा PO2 हाई होगा या कौन हाई होगा यहाँ पर? PO2 हाई होगा ना सबसे वैल्यू, क्या होगा क्या हाई होगा PO2 या PCO2? PCO2। अरे तभी तो वहां से डिफ्यूज होगा बाहर आएगा, क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बताइए, ए बी सी डी, डी है क्या? नहीं है, ए बी सी। ए क्या है, एनसीईआरटी का डायग्राम है मालूम होना चाहिए, और वैसे आपने कर भी रखा तो आपको याद भी होना चाहिए। बोलिए थोरैक्स, ये इंक्रीज वॉल्यूम है डिक्रीज वॉल्यूम है? डिक्रीज वॉल्यूम, डिक्रीज
डिक्रीज्ड जो सारा का सारा एरो क्या बता रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो चला गया है। डायफ्राम क्या होगा बोलिए विधि, ठीक है रिलैक्स ना, कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलैक्स होगा। कश्यप आप सब क्या हुआ जी, रिलैक्स पक्का? और बी क्या है, विप सेंस्टर्नम नहीं, एरो आपका एरो क्या दर्शा रहा है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है या रिलैक्स फॉर्म, मतलब ये ओरिजिनल अपने पोजीशन पे आ चुका है, मतलब ये हुआ कि जैसे क्या होता है आपके पास जब ये वर्टिकेंस जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका जो ए वाला जो एरो है ये नीचे आएगी, जिनकी वजह से ये वाला वॉल्यूम बढ़ जाएगा, हाँ के ना, तो ये एरो आपको डाउन दिखाएगा, हाँ के ना, ये अपवर्ड एंड आउटवर्ड हो जाएगा, यस और नो? अरे बोल दे यार, जब ये इसका उल्टा प्रोसेस होगा, और ये वाला क्या है एक्सपायरेशन है, तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ये सारा चीज क्या हो जाएगा फिर, ये जो मैंने रेट से बना ये हो जाएगा, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन जो आपको ऑलरेडी ब्लैक दे रखा है वो कंडीशन हो जाएगी। तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इट इज एन एनर्जेटिक प्रोसेस, एंड ड्यूरिंग रिलैक्सेशन इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस, में एनर्जी नहीं लगती, अपने आप ये हो जाती है, हाँ कि ना? अरे बात समझ में आई क्या तुम लोगों को? हाँ।